ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, मिनरल रिसोर्सेस। इसका मतलब इसी हवाले से आगे पावर रिसोर्सेस का भी चैप्टर आएगा। तो अभी फिलहाल हम एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज या वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल चैप्टर नंबर 7 है, वाटर रिसोर्सेज आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, ठीक है ना, इस तरीके से। और फॉरेस्ट वगैरह चैप्टर नंबर 4 था। ये मिनरल्स है, राइट। मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमने इब्तदाई क्लासेस में देखा था। मतलब जमीन के अंदर क्रस्ट के नीचे डीप डाउन मेंटल की तरफ वो सारा लावा मैग्मा इस तरह से, ठीक है, जमीन फटती है तो मैग्मा बाहर निकलता है और इस तरीके से हमारी जो है ना पहाड़ बनता है मैग्मा के पूरे पूरे। तो मिनरल डिपॉजिट हो, लाखों सालों में अब तक जाके जितने मिनरल डिपॉजिट बने हैं ना, वो वैसे ही बने हैं। जमीन के अंदर के जो भी मटेरियल्स हो उसमें सारे मिनरल्स हैं। तो मैग्मा जमता है जब वो सरफेस पे आता है, ऊपर सरफेस पे आता है, जमीन के अंदर तो लावा है, पिघला हुआ पत्थर है, जब ऊपर सरफेस पे आता है तो वो जम जाता है, और वो जब जम जाता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और फिर दूसरी तरफ प्रोसेसेस ये भी हो रहे होते हैं कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह मिलती है। जैसे कि हमने देखा था अर्थ के अंदर, मिसाल के तौर पर हमारी अगर दिस इज द अर्थ, इसमें से कुछ इस तरह से शेप ऑफ द लैंड था सारा, ठीक है, उसमें से ये वाला पीस, ये वाली प्लेट कट के यहाँ की जुड़ गई। तो ये ऊपर वाली टेक्टोनिक प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी, और ये इंडियन प्लेट थी, ये आके यहाँ जुड़ गए, जब आके और मिल गए तो उस तरफ हिमालय के पहाड़ वगैरह बच गए, ठीक है, दैट्स व्हाट वी सॉ ना। तो वो मिनरल रिच है। अब वो मिनरल रिच है, उसके बाद वहां से हवा और पानी का फ्लो डाउनवर्ड्स है, तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट जो है ना पानी के साथ बह बह के एक तरफ आगे जमा होते हैं। फिर वो जमा होता है तो पहाड़ियां बनती है, हिल्स बनते हैं, और वो भी हजारों सालों के प्रोसेस से बनते चले आ रहे हैं। तो वो पहाड़ दब दब के, दब दब के हमें ऐसा लगता है बड़े फिक्स पहाड़ है, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने से बने, बाकी कुछ ऐसे हिल्स वगैरह हैं जो कि पानी बहा है, हवा बही है, हवा उस तरफ से चली है नॉर्थ टू साउथ की तरफ, तो उसके साथ वो मिनरल्स जमा हुए हैं रिवर फ्लो के साथ। और एक तरफ जमा होते 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 वो पूरे पूरे, पहले तो एक तो सैंड और सिल्ट की तरह जमा हुए, उसके बाद मिल मिल के वो भी पूरे पूरे पहाड़ बन गए। तो अक्सर हमें पहाड़ों में जो इस तरह की बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट दिखते हैं ना, तो वो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। मतलब वो मैग्मा कहीं पे फटा होगा, ठंडा हुआ होगा, फिर वो पानी के फ्लो से टूट के पहुंचा होगा कहीं ना कहीं किनारों तक, या भाई कहीं प्लेट्स मिली होंगी आपके अर्थ की, टेक्टोनिक प्लेट्स जो मिलती है, और वो मिलती है इस तरह से कि आपका स्टेनोस्फेयर जो है अर्थ की जो मैकेनिकल लेयर्स है, जैसे एक तो कंपोजिशन वाली लेयर्स है, तो हमने कहा था क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है, लेकिन मैकेनिकल लेयर्स मतलब अर्थ कैसे काम करती है, तो उसमें स्टेनोस्फेयर की जो लेयर है, जो टॉप लेयर से नीचे लिथोस्फेयर के नीचे है, लिथोस्फेयर है उसके नीचे है स्टेनोस्फेयर, मैकेनिकल लेयर्स ऑफ अर्थ, सबसे टॉप पे लिथोस्फेयर है, उसके बाद स्टेनोस्फेयर है। तो स्टेनोस्फेयर के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो उससे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होते हैं, और ये बहुत ही थोड़ी थोड़ी करके पूरे साल में कुछ चंद इंचेस मूव हो गए, इस तरह से मूवमेंट्स होती है, लेकिन वो लाखों लाखों सालों के अंदर ये मूवमेंट्स हो रही हैं, इंसान नहीं था लेकिन ये दर्द तो थी ना, तो वो मिलके सारे लैंडफॉर्म्स, लैंडशिप्स बना रही है, ठीक है। तो वहां से सारे हमारे क्या आ रहे हैं, मिनरल डिपॉजिट्स इस तरह से बन रहे हैं, हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड के अंदर। तो उसके अंदर थोड़ा सा और फर्दर देखे तो सब मिनरल्स आर फॉर्म्ड नियर और ऑन द सरफेस, दीस अकर्स व्हेन मिनरल रिच फ्लूइड्स सच एज सिलिका बेयरिंग वाटर एवापोरेट्स, दे कैन आल्सो बी फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनिक रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, मेनी मिनरल्स फॉर्म क्रिस्टल्स, द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम्स, इफ द क्रिस्टल्स फॉर्म स्लोली दीस मे बिकम जेमस्टोन्स। मतलब ये फिर उसकी केमिकल एक्टिविटी का बता रहे कि जिस तरह के हमारे मिनरल्स हैं वो मतलब अगर स्लो स्लो फॉर्मेशन कर रहे हैं या अपनी डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग किस्म के मिनरल्स के अंदर शेप शक्ल लेते हैं, कोई गोल्ड में आ जाता है, कोई सिल्वर, कोई कोयला, फिर कोई जेमस्टोन्स में बन रहा है, तो कोई लाइमस्टोन बन रहा है, लाइमस्टोन वो जो कि हमारा सीमेंट बनता है जिससे, जबकि जेमस्टोन्स वो जो कीमती पत्थर होते हैं। तो ये अलग अलग नौयत के मिनरल्स है, अलग अलग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कुछ का प्रोसेस बहुत स्लो है, कुछ का बहुत फास्ट है, रिलेटिवली बहुत फास्ट मतलब वैसे तो सबका स्लो होता है लेकिन रिलेटिवली एक दूसरे से। तो जो बहुत स्लो प्रोसेस के जरिए बन रहे हैं वो बहुत कीमती है मिनरल्स, सही, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के जरिए बन रही है ना ये चीज। अब जैसे सोना है, हीरा है, ये बड़े कीमती मिनरल्स, इनका प्रोसेस ऐसा है कि ये बहुत हमें नायाब लगते हैं, हमें बहुत आम तौर पे मैसर नहीं है, इसी वजह से इनकी वैल्यू बहुत है। अच्छा, तीन चीजें यहाँ पर मैं आपको बता दू, नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल्स जो है, मिनरल्स को निकालने के तीन तरीके, एक प्रोसेस है माइनिंग, एक प्रोसेस है ड्रिलिंग और एक प्रोसेस है क्वेरिंग, ठीक है ना। क्वेरिंग, क्वेरीज में आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग भी मिसाल देता हूँ और माइनिंग की भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ऑयल रिग्स, अभी ऑयल रिग्स है, समंदर की है ये जो है, इस समंदर की ऑयल रिग्स है, ठीक है। डीप ओशन के अंदर अगर फाइंड किया मिसाल के तौर पे किसी किस्म का ऑयल एंड गैस, और कैसे फाइंड करते हैं, क्या बताया था वो सर्वे क्या कहलाता है, सेइस्मिक सर्वे, स्पेलिंग ये है सेइस्मिक, साइज्मिक सर्वे। इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, तो ये देखो आपको जिस तरह बताया था, शिप के जरिए कहाँ पर होगा, समंदर में होगा, जबकि ट्रक्स के जरिए कहाँ पर होगा, जमीन पे होगा। तो होता क्या है, एक ट्रक है जिसके अंदर कंप्यूटर का पूरा सिस्टम लगा होता है, और एक ट्रक है जिसके अंदर साउंड वेव फेंकने का पूरा सिस्टम लगा होता है। तो ये वाला ट्रक जो है साउंड वेव नीचे फेंक रहा है जमीन में, और जमीन जो सर्फेस है वहां पर सेंसर लगा देता है बहुत सारे, जो उन साउंड वेव का रिएक्शन पकड़ते हैं कि जमीन के अंदर क्या हुआ, और एक ट्रक है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर इक्विपमेंट होता है, ठीक है, वो उन साउंड वेव का जो रिएक्शन सेंसर पकड़ना, उस सेंसर के रिएक्शन को
इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर कंप्यूटर के डाटा के अंदर, ठीक है। मैं सेज्मिक सर्वे ट्रक की बात करता हूँ, ये अगर मुझे दिखा दे, ये देखो इस तरह से सेज्मिक सर्वे ट्रक्स है, राइट। उनका डाटा किस तरह से आता है, सेज्मिक सर्वे डाटा अगर लिखता हूँ तो इनकी डाटा कुछ इस तरह से शो होता है जमीन के अंदर का, वेव्स इस तरह से इंटरप्रेट होती है। फिर ये उन साइंटिस्ट का काम है जो सेज्मिक सर्वे करते हैं कि वो ये बता सकें, वो जियोलॉजिस्ट ये बता सकें कि एग्जैक्टली क्या अर्थ के अंदर एक्टिविटी है, क्या मतलब वो इस तरह का ऑयल एंड गैस है, क्योंकि जब साउंड वेव्स टकराती है तो पता चलता है ना, ऑयल एंड गैस टाइप के मटेरियल होंगे तो अलग किस्म के रिएक्शन आएंगे, अलग किस्म के स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्स आएगा, क्लियर। ऐसे करते हैं सर्वे, फिर जाके खोलते हैं। अच्छा, तो हमारा जो ड्रिलिंग का प्रोसेस था, ड्रिलिंग का प्रोसेस जो अभी दिखाया था वो इस तरह से था, रिग्स बनी हुई थी, ये रिग्स है, ये ड्रिल करती है जमीन के अंदर तक। अच्छा, अगर मैं ऑयल रिग्स, लैंड, लैंड की रिग्स हैं, ये जमीन में बहुत बड़ा सुराख होता है और फिर ये पंप जो है ना जमीन में बहुत बड़ा सुराख ड्रिल करते हैं और उसके अंदर पंप के जरिए निकालते हैं, जैसे कि हम बोरिंग करते हैं ना, जैसे बोरिंग के अंदर जमीन के अंदर सुराख करते, तो लेकिन एग्जैक्ट वो जमीन के अंदर खड्डा करना चाहे वो पता चलता है हमारे सीज़मिक सर्वे से। ओके, तो हमारे ड्रिलिंग जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है, ऑफशोर भी हो सकती है। ऑफशोर मतलब समंदर में, शोर मतलब समंदर का किनारा, और समंदर के किनारे से आगे तो ऑफशोर मतलब समंदर के अंदर भी हो सकते हैं या ऑन लैंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ड्रिलिंग, और उसके जरिए हम ऑयल एंड गैस निकालते हैं। ओके, अच्छा, माइनिंग की बात करें और क्वेरिंग की बात करें, तो माइनिंग भी होती है ऑन सरफेस होती है, एक तो ऑन सरफेस वाली माइनिंग होती है, या एक होती है कि जमीन के अंदर खड्डा करें और उसके बाद टनल के जरिए चीजें निकाल के ऊपर जो है ना जमीन से बाहर लेके आए, लिफ्ट के जरिए या लोगों को उतारे और लोग बाहर लेके आए, जैसे कि क्वाइट लाइक दैट, जैसे कारिज के अंदर हमने देखा था कि जमीन के अंदर सीधा टनल टाइप का बनाते हैं, उसे कहते हैं शाफ्ट, वो शाफ्ट बनाते हैं और नीचे से फिर खोदते हैं आसपास से और चीजें मट्टी, उसमें मट्टी ऊपर निकालते थे टनल बनाने के लिए, लेकिन इसमें तो जो निकालने हैं वो कोयला है, कोयला माइन किया जाता है, ठीक है ना, तो कोयला निकाल के ऊपर लेके आ रहे, या फिर ऑन सरफेस भी होती है, सरफेस के ऊपर है अगर कोयला तो उसको तो ऊपर ऊपर से खोदेंगे, ठीक है। तो मिसाल यहाँ पर है, जो ऑन सरफेस होते हैं कहलाती है ओपन कास्ट, क्या कहलाती है, ओपन कास्ट माइनिंग, सही। और जो शाफ्ट बनी हुई है उसमें गहरा हम एक वो करते हैं, एक मतलब एक टनल बनाते हैं और उसके जरिए एक समझ लें लिफ्ट बनी हुई है, तो टनल बना दिया, अब यहाँ से कोयला काटा और इस लिफ्ट में डालो और ये बाहर आ गई लिफ्ट और इसमें से कोयला निकाल दिया, तो एक तरीकेकार ये है, एक तरीकेकार ओपन सरफेस है, और तीसरा तरीकेकार क्या है कि आप एडिट माइनिंग करो। एडिट माइनिंग मतलब कि साइड से पहाड़ के, आपको पता है ना कि अंदर कोयला है तो साइड से खोदना शुरू हो जाओ और अंदर की तरफ तक खोदो और वहां से रेलगाड़ियों के जरिए आप कोयला बाहर लेके आते जाओ। अब यहाँ पर सवाल ये हो जाएगा, भाई कोलैप्स नहीं हो जाएगा पहाड़, ये तो खाली खाली है, तो ऐसे नहीं करते, वो टनल बनाते हैं फिर यहाँ पर लकड़ियां लगाते हैं, लकड़ियों का सहारा देते हैं, समझ आ रही है। अब मिसाल के तौर पे सॉल्ट माइन है, केवड़ा सॉल्ट माइन, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के सेकंड नंबर पे। अब इसके अंदर जो सारा हिसाब किताब है ना, ये खोदने का हिसाब किताब ऐसा, एक तो लकड़ियों की बेस दी होती है, जहां पर ज्यादा सीधा सीधा खोदा तो देखो लकड़ियों की बेस दी हुई है पूरी, और दूसरी चीज वो खोदते भी एक साथ नहीं है सारा, वो लोग क्या करते हैं कि जगह छोड़ छोड़ के, जैसे अगर मिसाल के तौर 50 फुट जितनी जगह खोद दी ना नमक निकाल दे, तो 50 फुट जितनी जगह छोड़ भी दी जो पिलर का काम करती है पहाड़ के लिए पूरे, सुनारी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला हिस्सा खोद दिया, ठीक है, तो ये देख रहे पिलर साइड पे क्यों आ रहे, क्योंकि बाकी हिस्सा नहीं खोदा है, एक बहुत बड़ा मोटा हिस्सा छोड़ दिया होगा, वो नहीं खोदा होगा और कुछ हिस्सा खोदा होगा, तो इस तरह से उनके कोलैप्स होने से बचाने की टेक्निक्स होती हैं। और जहां स्ट्रेट खोदना हो बहुत लंबा, तो वहां पर फिर वो लकड़ी के बेस देते हैं, लगातार लकड़ी की बेस देते चले जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये थी हमारी एडिट माइनिंग, ये थी शाफ्ट माइनिंग, और तीसरी जो सरफेस के ऊपर से होती है वो कहलाती है ओपन कास्ट माइनिंग। मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स, एक मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। ओके, मेटालिक नॉन मेटालिक हमारे मिनरल्स हैं। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल कंटेंट होता है, नॉन मेटालिक वो जिसमें मेटल कंटेंट नहीं होता। मेटल कंटेंट की खास बात क्या है, क्या फीचर्स है, शाइनी, ओके, और नॉन मेटालिक में भी हो जाते हैं इस तरह, तो उनको क्रिस्टल्स की वजह से शाइन आता है, मिनरल्स में क्रिस्टल्स होते तो शाइन आता है। कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट ट्रेवल करती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, जो मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक से ऐसा नहीं होता। तो मेटालिक में आयरन ओर, आयरन ओर से बनता है आयरन लोहा, ओके, कॉपर, एंटीमनी, क्रोमाइट, टेलिस्टाइट, ये मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, टिन, बॉक्साइट, तो ये सारे हमारे मेटालिक है। और नॉन मेटालिक, और जिन्होंने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी हुई दे कैन यू नो अंडरस्टैंड इट बेटर, कोल, सल्फर, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, सोपस्टोन, फ्लोराइड, लाइमस्टोन, ये वो जिस तमाम वो मिनरल्स है जो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान में मिनरल डिपॉजिट्स क्यों रहते हैं, आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। माउंटेनियस रीजन है, हिमालयस का रीजन है, कराकोरम का रीजन है, वो रीजन माउंटेनियस रेंज कैसे बनी थी, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मिली थी आपस में, समझ रही है, तो वो उसके बाद जो हमारा बना, जो रीजन बना, पहाड़, जमीन, जमीन नीचे के ऊपर आना शुरू हो गई, जमीन के ऊपर जमीन चढ़ना शुरू हो गई, तो नीचे अर्थ के अंदर के मिनरल्स है वो मिनरल डिपॉजिट बन के पहाड़ों में आना शुरू हो गए, और वो फिर पहाड़ों के जरिए कैसे फ्लो हुए, बारिश हुई, बर्फ जमी, बर्फ जमी तो पहाड़ के क्रैक्स हुए, उसके अंदर बर्फ जमी, फिर बर्फ पिघली तो वो क्रैक पहाड़ को भी साथ लेके, पहाड़ के टुकड़े को, पीसेस को, रॉक, रॉक के छोटे छोटे पीसेस को साथ लेके उतरी वो बर्फ, और रिवर के अंदर फ्लो हुई, फिर वो छोटे छोटे पीसेस फ्लो होते होते कहीं ना कहीं
कहीं जाके डिपॉजिट हुए, जमा हुए किसी ना किसी बैंक, रिवर बैंक के अंदर, रिवर बैंक मतलब रिवर के साइड पे कहीं भी जाके कोई भी मिनरल अटक जाए, अभी वो अटकता चला जाए तो वहां छोटी छोटी पहाड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी, और फिर वहां से पानी खुश्क हो जाए, वहां से पानी का फ्लो कम हो जाए तो फिर वहां से पहाड़ियां ही रह जाएंगी, पानी का फ्लो तो कम हो जाएगा, समझ लो। तो बहुत सारे इस तरह से नेचुरल जितने भी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी शामिल है, उसके जरिए सारे मिनरल डिपॉजिट हेयर एंड देयर ट्रेवल करते हैं। पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गरम रेंज में लगती है पाकिस्तान की, इंडिया में बहुत ज्यादा है मिनरल्स, चाइना में बहुत ज्यादा है। अच्छा, मेटालिक हो गया, मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स की टाइप देख ली हमने, वो देख ली माइनिंग कैसे कहते हैं, ड्रिलिंग कैसे कहते हैं देख ली, क्वेरिंग भी देख लेते हैं। क्वेरिंग की मिसाल मैंने यही रखी थी, अभी क्वेरिंग की मिसाल है जैसे लाइमस्टोन को, लाइमस्टोन वो जिससे सीमेंट बनता है ठीक है ना, उसको पहाड़, उसको जमीनों से काटा जाता है, निकाला जाता है, और फिर वो उसका एक पूरा प्रोसेस है कि वो बड़े बड़े पत्थर एक जो है ना कन्वीनर बेल्ट के जरिए एक प्रोसेस के अंदर पहुंचाए जाते हैं, फिर उस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तीसरे ऐसे करता करता है फिनिश्ड गुड मतलब सीमेंट बनता है। कन्वीनर बेल्ट कैसे कहते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्वीनर बेल्ट होता है जैसे अगर आप किसी उस पे जाओ कभी टूर वगैरह पे जाओ तो जिसके एक एक वो होता है पूरी ट्रेन नुमा वो चल रहे होते हैं, इस पे सामान रखो तो रेलिंग के जरिए सामान खुद आगे बढ़ रहा होता है, वो होता है कन्वीनर बेल्ट। कन्वीनर बेल्ट देख रहे हो, समझ गए ना ये। तो प्रोडक्शन में ज्यादातर कन्वीनर बेल्ट का इस्तेमाल होता है, कुछ होता है मैनुअल जैसे मैनुअल वाले इसमें खुद धक्का देना पड़ता है, कुछ होते हैं जिसमें पूरा होल चल होते हैं रबड़ ट्यूब रबड़ सरफेस होता है ठीक है, क्योंकि वो फिर घूम रहा होता है। अच्छा बहरहाल, तो हम देख रहे थे क्वेरी, पहले मैं दिखा दूं क्वेरी किस तरह की होती है, बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना ये देख रहे हो पूरी क्वेरी है, ये लाइमस्टोन काटा हुआ है और यहाँ पर ट्रक चलने की जगह भी देख रहे हो, इतना सा हमें एक क्रेन दिख रहा है, क्रेन और ट्रक चलने की जगह, वो क्रेन क्या करता है पहाड़ से लाइमस्टोन काटते हैं और फिर वो मोटे मोटे पत्थर ठीक है, और पहाड़ से ऐसे नहीं काटते हो कि वो जिस तरह हम किसी चम्मच से खुरच के आइसक्रीम को ऐसे नहीं काटते, ब्लास्ट करते हैं पहाड़ को, जो थोड़ी बाहर निकली हुई साइड है वो तो क्रेन से ही तोड़ लेते होंगे, वरना इनको ब्लास्ट करना पड़ता है, वो ब्लास्ट करते तो वहां से पत्थर टूटते हैं, पत्थर टूटते हैं तो उसके बाद वो ब्लास्ट करने की वजह से जो अनइवन सरफेस है उसको तो फिर वो क्रेन से सीधा कर देते हैं काट काट के, और वो फिर भरते हैं ट्रक से अंदर, ट्रक उसको ऊपर ट्रेवल करके लेके जाता है। ओके, ये देख रहे हो ये सारा क्वेरिंग का प्रोसेस है, दिस वन ये देख रहे हो ये सारे ट्रक्स लेके जा रहे हैं, फिर ये मोटे पत्थर जो है ये मजीद क्रश होते हैं। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से इस साइड से मोटे पत्थर ही लेके जा रही है कंपनी, या कंपनी ने इसी साइड के पास वो क्रशर्स बनाए हुए हैं जो इनको तोड़ते हैं, मजीद तोड़ के बारीक उसमें रेत नुमा सब्सटेंस पे ले आते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसेस नहीं होता। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी ने पूरी की पूरी फैक्ट्री ही वहीं लगा दी हो कि हम तो यहाँ से फिनिश गुड ही निकाल के जाएंगे, कि ज्यादा हमारी ट्रैवलिंग जो है ना इस तरह से नहीं करनी है, मैं बोरियों में बंद ट्रैवलिंग करनी है जिसमें सीमेंट होगा बस, ऐसे भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सही, ये भी हम प्रोसेस फ्लो समझ रहे। तो क्वेरिंग की मिसाल दी, क्वेरिंग मतलब इस तरह से पहाड़ से लाइमस्टोन को लाइमस्टोन क्वेरी किया जाता है, तो इस तरह से पहाड़ से काटा मार्बल क्वेरी किया जाता है, तो इस तरह से उन पहाड़ों को काट के लेके जाना पत्थरों को ट्रैवल करना कि वो पहाड़ों का पूरा शेप बनता है क्वेरी नुमा ठीक है, जो कि अगर कभी बारिश वारिश हो जाए बहुत खतरनाक फ्लडिंग हो जाए तो फ्लड हो सकती है क्वेरी, फिर उसमें से पानी निकालना पड़ेगा मशीनों के जरिए, ये भी याद रखना। लाइमस्टोन क्वेरिंग का फिर उसने पूरा वो जिक्र दिया हुआ है किस तरीके से क्वेरिंग होती है, मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में इसने फर्क दिया हुआ है, इकोनॉमिक वैल्यू मेटालिक मिनरल्स की ज्यादा है और नॉन मेटालिक मिनरल्स की इकोनॉमिक वैल्यू कम है, जैसे कि ऑयल गैस ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है, लाइमस्टोन ये नॉन मेटालिक है लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, कम क्वांटिटीज में ज्यादा वैल्यू वाले कौन से, गोल्ड कॉपर सिल्वर हमारी आयरन स्टील, आयरन थोड़ी कम वैल्यू रखता है लेकिन स्टील इतनी कम नहीं रखता जितनी कम अगर ऑयल एंड गैस की होगी रिलेटिवली, तो ये एक तो वैल्यू वाला फर्क है कि इतना सा हमारे पास जो है ना सिल्वर का पीस उस वो वर्थ हो उसकी पता नहीं कितने बैरल पेट्रोल की, प्योर सिल्वर अगर इतना पीस है हमारे पास वो कितने बैरल पेट्रोल के बराबर है, देयर इज लाइक आई वी डोंट नो एग्जैक्टली। इसी तरह से बहुत कम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स हमें खरीद के दे सकता है। ओके, सो मेटालिक मिनरल्स आर हायर इन इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब रिसोर्स की अपनी जो वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू वो कहलाता है। जनरली हार्ड एंड टफ, हार्डर होते हैं, हार्ड होते हैं ना, सख्त होते हैं ना मेटालिक, एज कम्पेयर टू आप कहो कि अच्छा ये शाइन भी ज्यादा करते हैं मेटालिक, हीट इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स तो पिक्चर के फॉर्म में भी निकलते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस पहले क्रूड ऑयल के फॉर्म में निकलता है, फिर अब मिसाल के तौर पे नॉन मेटालिक मिनरल ही है वो, उससे ग्रीस भी निकल रहा है, क्या ग्रीस हार्ड है, नहीं ना, शाइनी है, हाँ शाइनी तो है, ग्रीस ऑयल पेट्रोल शाइनी तो वो लिक्विड लिक्विड और कीचड़ नुमा फॉर्म में तो वैसे ही शाइनी होती है। इसी तरीके से हमारे कोई मार्बल्स हैं तो वो शायद शाइनी होंगे लेकिन इतने शाइनी नहीं होंगे जितने के मेटालिक होंगे, समझ लो। एक हमारे सीमेंट चूने की दीवार को अगर हम कंपेयर करें एक फॉर एग्जाम्पल स्टील के दरवाजे के साथ, तो क्या ज्यादा क्या शाइनी होगा, स्टील का दरवाजा दैट्स अ बिग डिफरेंस। मार्बल का फ्लोर हो उसको कंपेयर करें स्टील के दरवाजे के साथ, आप मार्बल के फ्लोर में शायद बहुत अच्छा पॉलिश होगा, रिफ्लेक्शन शायद दे सकते हैं उसके क्रिस्टल्स की वजह से, बट स्टिल जो स्टील के दरवाजे की
शाइन है वैसी थोड़ी आएगी, आप टॉर्च मार के देखोगे तो स्टील के दरवाजे की जो रिफ्लेक्शन होगी वैसी थोड़ी होगी मार्बल, राइट? तो इट्स मोर शाइनी मेटालिक मिनरल्स। लाइमस्टोन की क्वेरिंग का जिक्र है फिर आपके यहाँ पे बुक में, क्वेरिंग का मैंने प्रोसेस समझा दिया आपको क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, तो हमारे जो माइनिंग इंडस्ट्री जो है उसमें कौन कौन से मिनरल्स माइन करते हैं, इन सबकी मिसाल दी गई यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर माइनिंग जो होती है उसमें कोल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, लाइमस्टोन है। अच्छा, नेचुरल गैस अलग है, क्रूड ऑयल अलग है। क्रूड ऑयल जो फ्यूचर के फॉर्म में निकलता है तो उसमें से ग्रीस निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, हवा ऑक्टेन निकलता है, वो अलग कैटेगरी है। नेचुरल गैस वो तो गैस है, राइट? लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, क्रोमाइट, तो ये सारे मिनरल्स के नाम है जो पाकिस्तान से निकलते हैं। यू आर गोना रीड देम, यू आर गोना रीड देम एंड यू आर आल्सो गोना रीड देयर क्वांटिटीज। इनकी क्वांटिटीज लाजमी पढ़ना वरना तुम्हारे अंदाजे नहीं बन पाएंगे। कोई चीज 185 बिलियन टन में है कोल, ठीक है। दूसरी तरफ ये है आपका आयरन ओर, बॉक्साइट, बॉक्साइट कितना है 74 मिलियन टन। एक चीज 185 बिलियन टन में और एक चीज 74 मिलियन टन में, खुद सोच लो ज्यादा वर्थ किसकी होगी, 74 मिलियन टन वाली, क्योंकि मिलियन टन का मतलब अगर मैं बताऊं 1 मिलियन कितने बराबर होता है, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन, सही है। 1000 मिलियन बनता है तो 1 बिलियन बनता है। और एक चीज हमारे पास है कोल जो कि 185 बिलियन टन है, 185 बिलियन टन, सही। और एक है हमारे पास बॉक्साइट जो कि 70 या सल्फर, सल्फर तो 0.8 मिलियन टन है, 1 मिलियन भी नहीं है, 0.8 मिलियन कितना कम है इससे। अगर मिलियन टू मिलियन देखे ना तो ये 185,000 है मिलियन, और ये इज इक्वल टू, नहीं लेस देन का साइन होना चाहिए, बहुत बड़ा लेस देन। 185,000 मिलियन की बनिस्बत 0.8 मिलियन, कितना फर्क है। ये हमारा नॉन मेटालिक है और ये हमारा मेटालिक है, समझ आ रही है। वो कोल है नॉन मेटालिक मिनरल है और ये सल्फर ये मेटालिक मिनरल है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। बारन माइनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइनिंग की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हमारी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, हमारे मुल्क की रिसोर्सेज जितनी भी है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसकी डेवलपमेंट। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल हमें माइनिंग करनी है तो बिजनेसेस खुलेंगे, जॉब्स मिलेंगी, राइट? तो प्रोडक्शन होगी तो बिकेगा माल, जब वो माल बिकेगा तो लोग कंज्यूम करेंगे तो लोगों की नीड्स पूरी होंगी, वो माल बिकेगा तो प्रॉफिट जाएगा ओनर को, वो माल बिकेगा तो ओनर कुछ पैसा उसमें से रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगाएगा, यार और मॉडर्न मेथड के जरिए प्रोड्यूस करो, हमें आ रही है। तो ये सारी क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ना, इंडस्ट्रियल यूजेस है, क्योंकि हम जो माइन करते हैं मिनरल्स जितने भी उनके इंडस्ट्रियल यूजेस है, जैसे कि नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कितनी सारी हमारी फैक्ट्रीज वगैरह बनती है, उनको बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है, फैक्ट्रीज को उसके अंदर काम करना होता है, बिल्डिंग्स इससे बनेगी, बजरी, रेत, सीमेंट इससे बनेगी ना, ये सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आते हैं। फिर उसमें बहुत सारा लोहे के सामान भी लगते हैं, बहुत सारी मशीनरी हमारी इंडस्ट्रियल मशीनरी किससे बनती है, लोहे से, स्टील से, ये सारे मिनरल्स ही है। यहाँ पर यूजेस दिए हुए, डिस्क्रिप्शन एंड यूज हर एक के, रॉक सॉल्ट, ब्राइन, लाइमस्टोन, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, जिप्सम, मार्बल, क्लेस, मैग्नीसाइट या मैग्नीशियम लिखा है, आई थिंक मैग्नीशियम है ये, सल्फर, ठीक है। इन सब के डिस्क्रिप्शन यूजेस लिखे हुए बाकायदा, इनके क्या यूजेस है, किस इंडस्ट्री के अंदर या किस घर के अंदर काम आता है तो किस काम आता है। सो दिस पेज अगेन यू इट इज बिकमिंग इजियर फॉर यू टू स्टडी। एग्रीकल्चरल यूजेस है, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है ना, ये मैग्नीसाइट है, सही है, ये मैग्नीसाइट है, नॉन मेटालिक मिनरल, मैग्नीशियम क्योंकि मेटालिक, मैंगनीज जो है ना, मैग्नीशियम कह रहा हूँ, मैंगनीज जो है ना वो मेटालिक मिनरल है, वो मैंगनीज नहीं था पीछे, मैग्नीसाइट था वो। तो मेटालिक मिनरल्स भी दिए हुए, उसके भी यूजेस बताए हुए यहाँ पर, जैसे पीछे नॉन मेटालिक के थे। एग्रीकल्चरल यूजेस है, मिसाल के तौर पर सीमेंट है तो कितने किस्म के कैनाल्स बनाने के काम आता है, कैनाल्स किस काम आते हैं, इरिगेशन के, कि रिवर वाटर अगर फ्लो नहीं हो रहा किसी जमीन तक वो कैनाल के जरिए फ्लो होता है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल एग्रीकल्चरल मशीनरी के काम आते हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी बनती है लोहो से, स्टील से, लोहा स्टील यूज होता है एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने, फिर वो मशीनरी इस्तेमाल होती है एग्रीकल्चर करने के अंदर, राइट। इंप्रूविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, यार ये बड़ा अच्छा जुमला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, आसानी से बताना चाहूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और वैसे तो ये बता देंगे बहुत अच्छे से आपको, मुझे पता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तुम बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा, वैसे बड़ी चीज है, बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि हमारे मुल्क से हम फॉरेन ट्रेड जितनी भी करते हैं, फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरे ममालिक के साथ, फॉरेन ट्रेड जितनी भी करते हैं ना दूसरे ममालिक के साथ, उसमें हमें कितना सरप्लस बचता है, अगर ऊपर बचा तो सरप्लस है, अगर हमारे पास कम हो गया तो डेफिसिट कहलाया, मतलब हम दूसरे ममालिक से खरीदते ज्यादा है बेचते कम है, मतलब डेफिसिट। जब हम खरीदते ज्यादा है तो ज्यादा पैसा बाहर जाता है और कम पैसा हमारे पास आता है, ज्यादा पैसा बाहर जाएगा और कम पैसा हम बेच भी रहे हैं दूसरे ममालिक को, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है तो बाहर से पैसा कम आ रहा है, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो पैसा आता है। लेट्स सपोज बाहर से हमारे पास $50,000 आए एक्सपोर्ट्स की वजह से, और हमने जो खरीदारी की बाहर ममालिक से, जो इम्पोर्ट हुआ है हमारा सामान दूसरे ममालिक से, तो उनको हमने $70,000 पे किए, तो $50,000 हमारे एक्सपोर्ट से हमने कमाए कि हमने यहाँ से माल बेचा दूसरे ममालिक में, माल गया और उन्होंने पैसे दिए $50,000 के, जबकि हमने माल खरीदा दूसरे मुल्क से जिसे हम इम्पोर्ट्स कहते हैं वो $70,000 का था, तो $70,000 पे करने थे, तो $70,000 जेब से जाए और $50,000 जेब में आए तो ज्यादा जेब से गए ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक तरह से
इक्विलिब्रियम खराब हो गया उसका, आपका डेफिसिट में चला गया वो, क्लियर? तो आप डेफिसिट में चले जाते हो या सरप्लस में आ जाते हो। अब आपके मुल्क में बहुत सारे मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकोगे ना, जब एक्सपोर्ट कर सकोगे तो उससे क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। तंग आती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को मिलती है, कितनी सारी एक्टिविटीज होती है हमारी, माइनिंग, क्वेरिंग, ड्रिलिंग, इन सबके अंदर कितनी जॉब्स निकलती है। और फिर सेक्टर्स भी हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो फिर आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, तो वो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें अलग अलग किस्म की जॉब्स निकलती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है, पेट्रोल ऑयल जला के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी आज भी ऑयल से ही बनती है, मतलब पेट्रोल से ही बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो इतनी ज्यादा नहीं है हमारी। डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज, जो दूर दराज वाले इलाके हैं वहां पर फिर डेवलपमेंट भी होती है इस वजह से, जहां पर इस तरह की क्वेरीज बना सकते हैं मिनरल्स, जो मिनरल रिच एरियाज हैं ये ना, तो वहां पर डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्ट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की तारें बिछेंगी, इंटरनेट की लाइनें बिछेंगी, पानी की लाइनें गुजरेंगी, गैस की लाइनें गुजरेंगी, होगा ना, वहां फैसिलिटीज देंगे तभी तो जाके कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी बन सकती है वहां पर। कितनी चीजों का काम होता है वहां पर, वहां तक कैनाल लेके जाएंगे पानी के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद पानी के बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मशीनों को धोना, ठंडा करना, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, सब होता ही है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हमारी बढ़ती है। जीडीपी किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, पूरे मुल्क की जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है? बाहर जाने वाले जो, मतलब हम कुछ बाहर मुल्क बेच रहे हैं ना, तो वो तो हमारी एक्सपोर्ट्स कहलाएं, जरूरी नहीं है वही जीडीपी हो। जीडीपी में तो हमारे मुल्क के अंदर भी जितनी खरीदो फरोख्त हो रही है वो सब जीडीपी में शुमार होती है। मतलब जीडीपी का यह है, पूरे साल की जीडीपी निकाली है तो मतलब हमारे पूरे, हमारे मुल्क के पूरे साल में कितनी वैल्यू का माल और सर्विसेज प्रोड्यूस की, सही है? और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड इट ऑल। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, आप लोग को पढ़ा रहा हूं, हुकूमत को कैसे पता चलेगा मैं कितनी वैल्यू की सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं? इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस थिंग। लेकिन अगर मैं अपना टैक्स रिटर्न जमा करा रहा हूं और अपने टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं उसमें लिख रहा हूं कि मुझे कितना रेवेन्यू मैंने कलेक्ट किया इस पूरे साल, तो मेरे टैक्स के अंदर मेरी इनकम शो होगी और मेरा प्रोफेशन शो होगा, क्योंकि पढ़ाने का, एजुकेशन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, तो वो मेरे जीडी अमूल की जीडी में अकाउंट हो जाएगा कि एजुकेशन सेक्टर में इस बंदे ने पूरे साल में और कमाए, तो पूरे मुल्क के जितने भी लोग, तो सही है, मतलब गवर्नमेंट तक डाटा पहुंचना आसान नहीं है, ज्यादातर लोग छुपाते ही हैं, टैक्स ना देना पड़े, लेकिन ज्यादातर छुपाते नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी वो तो नहीं छुपा सकती ना, बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट उनका पीछा करेगी, वरना उनपे पेनल्टीज लगाएगी, तो उनको टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स भरने के लिए उनको अपनी एक्टिविटीज और अपने इनकम वगैरह शो करनी पड़ती है, तो वो सब इस तरह से गवर्नमेंट के पास डाटा पहुंचता है, जीडीपी कैलकुलेट होती है पूरे साल। अपने मुल्क की पूरे साल की 250-260 बिलियन डॉलर की जीडीपी है 2021 की, अगर हम देखें पाकिस्तान जीडीपी 2021, तो 280 बिलियन डॉलर्स, 280 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान की 2021 की जीडीपी बता रहे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट, 2021 की 280 बिलियन डॉलर से भी थोड़ी नीचे आ रही है, जबकि 2018 की सबसे ज्यादा थी, कितनी थी? 314 बिलियन डॉलर, टू मच पर पाकिस्तान। और 2021 की बहुत गिर गई, 2019 की भी काफी गिर गई थी, 2020 की और गिर गई, 2021 में थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अब ये जो ईयर्स में गिरी, 2020 में इतनी कम क्यों है? कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया की जीडीपी डाउन हुई, पूरी दुनिया में कंजम्पशन डाउन हुए ना, कितने लोग, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग है, हर दीगर साल में जितने लोगों ने क्लोथिंग की पहनी है, खरीदी है, तो क्या कोविड के टाइम पे उतनी खरीदी है? अपना सोचो, नहीं ना, एक घरेलू से एनवायरमेंट में रहता हूं, जब हमने अपनी कंजम्पशन कम की है तो सबने अपनी कंजम्पशन यकीनन कम की हुई, जब सबने अपनी अपनी कंजम्पशन कम की है, कुछ सेक्टर्स है जिसमें कंजम्पशन ज्यादा हुई, जैसे कि कंप्यूटर ज्यादा खरीदे गए, कुर्सियां ज्यादा खरीदी गई, घर पे बैठे बैठे सोफे दबर है तो सोफे नए खरीदे गए, सोफे बनवाने की, रिपेयर करने की सर्विसेज ज्यादा हुई, लेकिन क्या वॉशिंग पाउडर ज्यादा बिके? नॉट श्योर। क्या ड्राई क्लीनिंग इक्विपमेंट, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, क्या ये ज्यादा बिकी? नॉट श्योर, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्सा लॉकडाउन हो रहा है, तो बार बार रोज यूनिफॉर्म धोना, रोज बहुत सारे कपड़े धुलना, हर घर में कमा तो पूरी इकोनॉमी में कमा, तो पूरी इकोनॉमी गिरी ना, तो पूरी इकोनॉमी की जीडीपी कम होती है। भारत तो जीडीपी इंप्रूव होती है अगर आपके मुल्क में मिनरल्स प्रोड्यूस हो रहे हो, मिनरल रिसोर्सेज हैं और उनको प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कितनी जॉब निकलती है, जितनी जॉब निकलती है तो खरीदो फरोख्त हो रहा है ना चीजों का, चीजें प्रोड्यूस हो रही है तो बिक रही है, तो ये इससे जीडीपी ऊपर जाती है मुल्क की, एक फायदा है ये मुल्क, इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्रीज के साथ मैं खाली ये लाइन आइटम देखूंगा, बाकी आप खुद ही कवर अप कर लेना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, माइनिंग के प्रोसेसेस, माइनिंग, क्वेरिंग, ड्रिलिंग, इनकी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, और उसको लगाने में बहुत ज्यादा आपको पैसा चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इट्स हार्ड टू गेट दोस। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के मिसाल दूं मैं अगर, तो गवादर का प्रोजेक्ट है, वो गवादर का जो पोर्ट है वो इतनी बड़ी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है चाइना की तरफ से, तब जाके वो बन पा रहा है, चाइना के हाथ में उसकी चीज है, मतलब चाइना के पास राइट्स है उसको यूज करने के, तो इट्स अ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से वो तो चले, वो तो एक पोर्ट बना हुआ है ट्रेवलिंग के लिए, वो मिनरल्स का काम नहीं हुआ कोई, लेकिन किसी
जगह पर अगर मिनरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने का इक्विपमेंट डालना है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिग्स लगानी है, वो लैंड पे लगानी है, तो वो थोड़ी सस्ती होंगी ऑफशोर से। ऑफशोर पे लगाने तो समंदर के अंदर खुदाई और स्पेशलिस्ट चाहिए, और स्किल्ड इंजीनियर चाहिए, और स्किल्ड मशीनरी और हाईटेक मशीनरी चाहिए उस काम को करने के लिए। तो दैट्स वेरी मच एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना इसका। दूसरा, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं बहुत, वो भी एक्सपेंसिव है और बहुत नायाब होते हैं, दूसरे मालिक से बताना पड़ता है। तीसरा, मिनरल डिपॉजिट तक आपके एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है मतलब कि या तो आपको पता ही नहीं एक्जैक्टली है कहाँ, सर्वे की जरूरत है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, आप सर्वे तो करके निकाल तो पा रहे हो, लेकिन वो जगह इतना रगड़ सर्फेस है बलूचिस्तान में, मतलब इस तरह के रोड्स भी नहीं है वहां तक आने जाने के, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं पहुंचा हुआ, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं पहुंचा हुआ। तो कितना सारा असेट, ये नहीं है कि आपने वहां पर कोई कोई मशीनरी लगाई और वहां से खुदाई शुरू कर दी, तो भाई वो लेके कैसे जाओगे निकाल के इतना सारा जो भी आपके मिनरल डिपॉजिट है। और खुदाई के वक्त हमें कितने किस्म का काम पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम पड़ता है, वो कहाँ से आएगी। पानी का काम पड़ता है, वो तो आपका इतना रगड़ सर्फेस है कि वो आप कैनाल तो बना ही नहीं सकते वहां इरिगेट करने के लिए, तो पानी को पहुंचाने के लिए फिर कौन से मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हो। तो ये सारे मसले हैं, ठीक है, इट्स नॉट इजी। तो एक्सेस जो है ना, रिसोर्सेज आपको पता है एक तो कहां है, तो वहां पर एक्सेस भी मुश्किल ऐसा हो सकता है, और पता ही नहीं है कहां है, तो वहां तो वैसे ही एक्सेस से पहले की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता कि रिसोर्सेज है कहां हमारी, ठीक है। मिसाल के तौर पर सेस्मिक सर्वे की जरूरत पड़ती है, सेस्मिक सर्वे के लिए ट्रक तो उतारना पड़ेगा ना कहीं, आप जिस जगह को देखना चाह रहे हो वो तो इतना अनइवन लैंड है कि वहां तो आप अपनी मशीनरी नहीं देखे जा सकते सर्वे के लिए, सर्वे करने के लिए, तो फिर कैसे होगा। हां, आगे जाकर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो तो ऐसी भी कार्स बने कि जो हवा में चलती हो, जो किसी किस्म किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ, और फिर वो सर्वे करें, और फिर लेकिन स्टिल वहाँ रोड नेटवर्क फिर भी चाहिए होगा चीजें ट्रैवल कर, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आसान इन्वेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट तो है ही है, और टैक्सेस के अंदर फर्क है। सिक्योरिटी ऑफ माइनिंग कंपनीज, फिर माइनिंग कंपनीज जो इतने एक्सपर्ट्स को लेके आना, उनको सिक्योरिटी फराम करना, ऐसा होता है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी फराम करना, उनको वैसा इक्विपमेंट देना कि वो मर ना जाए, उन पर किसी किस्म का अटैक ना हो जाए, ऐसा भी होता है। इकोनॉमिक हेडमैन भी मौजूद होते हैं, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क में इकोनॉमिक हेडमैन छोड़े हुए, ऐसा भी होता है दुनिया की, वो उसका काम ही है कि इकोनॉमी दूसरे मुल्क की तबाह कर दे ताकि वो मुल्क चल ना पाए। तो उसमें फिर क्या होता है कि उसमें टेररिज्म भी होता है, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस करने की चाले होती है, इंजीनियर्स को मार दिया जाता है, इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी इश्यूज भी है, लो प्रायोरिटी गिवन टू मिनरल एक्सट्रैक्शन, फिर आपके मुल्क के अंदर इमीडिएट मसले इतने हैं कि उनको रिजोल्व करने जा रहे हो आप कह रहे हो यार हमारे पास तो प्रायोरिटी मतलब दूसरे खर्चों की ज्यादा है अभी फिलहाल, ठीक है ना, हम इसके ऊपर आ नहीं सकते इतना बड़े, अभी तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको बेसिक नीड्स फराम कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल, ये आसान हो गई, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट मतलब वो सारे इदारे, उनको चलाना भी बहुत मुश्किल है, वो सारे इदारे जिनके अंडर में सब कुछ आता है, मिनरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उसके अंदर लेबर कैसी हो, हुकूमती इदारे हैं तो उसमें इतना पता नहीं, इतना एक्सपर्ट लेवल पे काम नहीं हो रहा होता, बहुत सारे अपने पर्सनल जिसे हम कहते हैं पर्ची सिस्टम, बहुत अपनी पीआर लगा के जो है ना वो पहुंचते हैं, तो वो अगर स्किल्ड नहीं होते या फिर स्किल्ड होते हैं लेकिन करंट हुकूमत के साथ वो काम नहीं करना चाहते तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये वाले बड़े अलग मसले हैं। तो ये सारे मसले आप जो है ना यू कैन रीड देम हियर,